पता है क्या हो रहा है, पिछले दो साल से सारे वीडियोस के नीचे 50% कमेंट में सिर्फ दो शब्द लिखे हुए हैं, सोया चाप, सोया चाप। मतलब आपने ऐसी जिद पकड़ ली है बाय गॉड की कसम कि मैंने कहा आज बना ही देते हैं जी। तो जिनके मन में लड्डू फूट रहे हैं ना, थोड़ी देर पेशेंस रखो क्योंकि म्यूजिक आने वाला है। ठीक है, हेलो जी, आगे हम लेकर हम दीवाना दिल, सॉरी सॉरी, लेकर हम सोया चाप है। करना कुछ नहीं, अब बस बना के खानी है। और अगर आपको बेस्ट सोया चाप खानी है ना, बेस्ट, तो एक ही शहर है साहब, दिल्ली नहीं है वो, चंडीगढ़ की सोया चाप खाइए कभी, खाइए कभी चंडीगढ़ की सोया चाप खाओ। तो सोया चाप का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अब सोया चाप को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। सोया चाप का जो बेस है वो होता है सोया टेक्सचर्ड प्रोटीन। और अब इतनी सारी इंग्लिश बोली है मैंने तो इसको समझाऊंगा अभी, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। लेकिन ये सोया टेक्सचर्ड प्रोटीन में टेक्सचर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो टेक्सचर है वो एकदम मीट जैसा होता है, इसलिए चंडीगढ़ और दिल्ली में बड़ी फेमस है कि भाई कई बार जब हम मीट नहीं खा पाते तो मीट वाला फील चाहिए होता, तो इसलिए हम सोया चाप खाते हैं। ठीक है जी। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि कभी भी अगर आप सोए टेक्सचर्ड प्रोटीन के साथ काम कर रहे हैं तो उसको इज्जतपूर्वक पहले पका लीजिए। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि कच्चे कुच्चे को घोल देते हैं ग्रेवी ग्रूवी में, बाद में उसमें टेक्सचर नहीं आता। टेक्सचर लाने के लिए इसको पकाना पड़ेगा। पकाने के तीन तरीके हैं, या तो आप इसको स्टीम कर सकते हैं, या आप इसको बॉयल कर सकते हैं, या आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इसको स्टीम आप या बॉयल, स्टीम या बॉयल आप तब करते हैं जब आप इसको डबल कुक कर रहे हो, जैसे कि इसको स्टफ कर रहे हो, फ्राई कर रहे हो, तंदूरी बना रहे हो, टिक्का बना रहे हो, उस केस में इसको बॉयल कर लें क्योंकि क्रिस्पी करके फिर उसके अंदर मैरिनेशन नहीं जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप ग्रेवी बना रहे हैं तो उसको स्टीम करके फ्राई कर लीजिए या डायरेक्टली फ्राई कर लीजिए। ये पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। ये बेसिक फंडामेंटल है सोए टेक्सचर्ड प्रोटीन का। टेक्सचर को मेंटेन करना है, उसके लिए पकाना पड़ेगा अलग से, ठीक है फिर। तो भाई मैंने सोचा है कि बनाएंगे मलाई सोया चाप, लेकिन वो तंदूरी मलाई सोया चाप नहीं, ग्रेवी वाला मलाई सोया चाप, ठीक है जी। तो ग्रेवी वाले मलाई सोया चाप बनाने के लिए आपको चाहिए सोया चाप। मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर इसको बॉयल करके फ्राई करूंगा। बॉयल करके फ्राई करने के फायदे और नुकसान है। फायदा यह है कि आप उसके अंदर फ्लेवर डाल सकते हैं। बॉयलिंग के टाइम में जो भी मसाले डालूंगा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगा, वो इसके अंदर घुस जाएगा, राइट। नुकसान यह है कि क्योंकि बॉयलिंग में पानी चला जाता है सोया चाप के अंदर, इसलिए फ्राइंग में पटपट करके फटने के चांसेस रहते हैं, उससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप सीधे भी मतलब इसको फ्राई कर सकते हैं, बॉयलिंग से जो फ्लेवर है वो अंदर तक जाएगा, ठीक है। जो हम लोग टेक्सचर बोल रहे थे ना, टेक्सचर, वो टेक्सचर अब डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे पक रहा है वैसे टेक्सचर डेवलप हो रहा है, इसलिए सोए टेक्सचर्ड प्रोटीन में टेक्सचर डेवलप करने के लिए पकाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब क्योंकि इसको दोबारा हमने करना है जी फ्राई, ठीक है, रब पला करे, इसलिए इसको मैं सिर्फ 60% पकाऊंगा वरना ड्राई हो जाएगा। ओके है, ईशान बोलता है ऐसे, फिर ओके है ना पापा, मैं 10 मिनट के लिए मोबाइल फ़ोन पे खेल सकता हूँ ना, ओके है ना फिर आपके लिए भी कि इतना ही पकाना है। तो जी ये हो गया प्रोग्राम नंबर 1। अब इसको जो है हल्का सा ड्राई होने देना है या ड्राई करना है, पहले ठंडा हो जाए फिर ड्राई करेंगे, ड्राई नहीं करेंगे तो तेल में जाके बम बन जाएगा, ठीक है। और जब तक ये ड्राई हो रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है, तब तक उस सोए टेक्सचर्ड प्रोटीन की कहानी सुन लीजिए, क्योंकि सोया जो है ना अपने आप में पूरी किताब है। सोयाबीन की कहानी जो है ना वो इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज ऑब्वियसली सोयाबीन इंडिया की नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया की है, वहाँ से चाइना गई, चाइना से हिंदुस्तान आई 1000 AD में, यानी कि 1000 साल ईसा के पश्चात वो हिंदुस्तान आई। तब तक हिंदुस्तान को पता नहीं था सोयाबीन क्या होती है, और उसके बाद फेल हो गए इंडिया में, और सिर्फ कुछ नॉर्थ के स्टेट्स जो थे वो सोयाबीन उगाते थे, और उसके सिवाय पूरे हिंदुस्तान में सोयाबीन कभी नहीं फैली अनटिल 1600s, जब जापान के रास्ते एक बार फिर सोयाबीन आई दक्षिण भारत में, और वहाँ से लोगों को पता चला कि भाई सोयाबीन क्या होती है, लेकिन फिर फेल हो गई।
क्योंकि सोयाबीन को पकाने में वक्त बहुत लगता था और हम हिंदुस्तानियों को उसका टेस्ट समझ नहीं आया। तो इंडिया में सोयाबीन ने 3 बार एंट्री ली, 1000 AD, 1660 के करीब और 1832 में, और तीनों बार सोयाबीन जो है वो कम्प्लीटली फेल हो गई। सोयाबीन सक्सेसफुल हुई 1960 में जाके, जब सोयाबीन का तेल कैसे निकलता है ये तकनीक पता चली, और उस तेल के निकलने के बाद जो सोयाबीन बच जाती थी ना वेस्टेज, उस वेस्टेज को लेकर पीस कर जो चीज बनाई गई उसको सोए टेक्सचर्ड प्रोटीन कहते हैं, जो हम सोया वड़ी, सोया चाप, सोया कीमा ये सब बोलते हैं ना, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये तेल से जो बचा हुआ बुरादा है उसको इस्तेमाल करने का तरीका है, लेकिन पौष्टिक है, न्यूट्रिशियस है। वो क्या कहते हैं, आम के आम, गुठलियों के दाम। एक काम करते हैं, बड़ा बड़ा रखते हैं इसको, 1/2 टाइप्स, ये बस यही था चंडीगढ़ की उस फेमस सोया चाप का सीक्रेट। हाँ, एक सीक्रेट सुक्रेट लिखो ना तो वीडियो बड़े चलते हैं यार, मैं बता रहा हूं। तो इसको चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं और चाहे तो इसको खूब सारे तेल में शैलो फ्राई कर सकते हैं। खूब सारे तेल में शैलो फ्राई करने का फायदा ये है कि उस तेल में आप फ्लेवर डाल सकते हैं, फ्लेवर जैसे बड़ी इलायची, जैसे साबुत लाल मिर्च और जैसे तेज पत्ता जो हम डालेंगे, ठीक है। कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए खाने में फ्लेवर डालने का, चाहे वो बॉइलिंग हो, फ्राइंग हो, एवरी टाइम यू टच फूड इज एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड फ्लेवर, लेकिन एक्सेस कभी नहीं करना चाहिए, हाथ रोकने की अकल भी होनी चाहिए। तो भाई ये देखो जी, ये प्रोग्राम नंबर 1 रेडी हो गया है। प्रोग्राम नंबर 1 में याद रखिए, जहां जहां जितना टेस्ट डाल सकते हैं उतना डाल दीजिए, ठीक है। अभी प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 2 हमने बनानी है ग्रेवी। ग्रेवी बनानी बहुत सिंपल है जी, मलाई ग्रेवी, बहुत बेसिक मलाई ग्रेवी आपको दिखा रहा हूँ, जिसके बाद ना आपको दाएं देखना पड़ेगा ना बाएं देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सब कुछ खड़ा खड़ा रख रहा हूँ, मैं ग्रेवी बनाऊंगा और ग्रेवी को छान लूंगा ताकि आपके मुंह में कुछ भी ना आए, आपको सिर्फ फ्लेवर आना चाहिए। ये हम लखनऊ वालों की आदत है कि ग्रेवी में सिर्फ फ्लेवर होना चाहिए, मसाले नहीं होने चाहिए। इलायची छोटी बड़ी दोनों, लौंग 3, काली मिर्च, ठीक है जी, ये हो गए खड़े मसाले, और तेज पत्ता अपने पास पड़ा हुआ है। अब जो करे मां ना प्यो वो करे देसी क्यो। काली मिर्च जैसे ही तेल में जाएगी फटेगी, लौंग काली मिर्च जो है वो बेसिकली ऑयल बॉम्ब्स होते हैं, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, वरना आप बनाने जाएंगे मलाई चाप और पहुंच जाएंगे डिस्पेंसरी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये गई दही, ये गया जी काजू का पेस्ट, और थोड़ी क्रीम अभी डालेंगे, थोड़ी बाद में, क्रीम ऑप्शनल है, अगर क्रीम नहीं है मलाई डाल लो। विस्किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विस्क करना इसलिए ज़रूरी है कि विस्क नहीं करेंगे तो दही जो है फट सकती है। दही की ग्रेवी कभी भी बनाएं तो विस्क कर लें, कितनी बार बता चुका हूँ मैं, है ना। देखो जी ये जो पार्ट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दही को पकना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर दही में रॉनेस रह गई ना तो पड़े पड़े ग्रेवी जो है वो और खट्टी होती जाती है, स्वाद नहीं आता उसमें। खट्टी होनी चाहिए, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब जी इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है ये, धनिए की डंडी है, धीरे धीरे इसमें टेस्ट छोड़ देगी। धनिए की अगर जड़ मिलती है ना उसको अच्छे से धोइए, कूटिए और धनिए की जड़ डाल दीजिए, धनिए की जड़ से भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है वाइट ग्रेवी में। थोड़ी शुगर डाल रहा हूँ जी मैं, ऑप्शनल है, ठीक है। घी जो है वो ऊपर आ गया जी, इसका मतलब इसको छान लेते हैं, और एकदम ज़बरदस्त स्पाइसी हो गई है, मैं टेस्ट कर चुका हूँ इसको, क्यों, ग्रीन चिली की वजह से। तो लोगों को समझ नहीं आएगा ये सफ़ेद में इतना स्पाइस कैसे आ गया, पूरा फ्लेवर एक्सट्रैक्ट करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, मसालों का, अदरक का, हरी मिर्च का। अल्लाह जी, ये हो गई मलाई ग्रेवी तैयार, एकदम मलाई माफिक। ये लो जी ग्रेवी इज़ रेडी, थोड़ा पानी डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारी जो चाप है ना जैसे ही इसमें जाएगी उसको हमने फ्राई कर दिया है, फ्राई करने की वजह से प्यासी हो गई है चाप, राइट, बिकॉज ड्राई हो गई ना, तो जैसे ही हम ग्रेवी में डालेंगे ग्रेवी पी लेगी, तो इसलिए थोड़ा ग्रेवी को पतला कर लें जी। दूसरा क्या है ना, अगर आपकी ग्रेवी पतली होगी तो सोख भी होगी ना, अंदर तक जाएगी भी, आया ना मलाई वाला फील। अब लेकिन इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, कम से कम 10 मिनट ग्रेवी में पकाना है,
गार्निश के लिए अदरक, हरी मिर्च और एक स्पेशल मसाला, और स्पेशल मसाले में तीन चीज़ें मिलानी हैं, ठीक है? कसूरी मेथी, काली मिर्च का पाउडर और बड़ी इलायची का पाउडर। खाऊं कि ना खाऊं? आपका तो ये पड़ा है, आके ले लीजिए, मैं तो खाता हूं। इतनी 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 शिद्दत से आपने ये रेसिपी मांगी, अब अगर मैंने बनाई है तो ट्राई जरूर कीजिएगा, नहीं तो आगे से मैं मलाई चॉप खाना छोड़ दूंगा। सच में। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो आगे से आपके शहर में मलाई चॉप मिलनी बंद हो जाएगी।